हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो आपके सिलेबस से बिल्कुल मैच नहीं करता। आज का वीडियो मैं जनरल पब्लिक के लिए बना रहा हूं, तो ये जानना चाहते हैं कि उनके घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स बना हुआ है उसमें कौन कौन सी चीजों को रखें, या अगर अभी भी उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो जब वो बनाएंगे तो किन किन चीजों को ध्यान रखें रखने से पहले। आज का वीडियो जनरल पब्लिक के लिए काफी यूजफुल होगा अगर आप इसको पूरा देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एड बॉक्स कोई मेडिसिन बॉक्स नहीं है जिसमें आप पूरा मेडिकल स्टोर को ला करके भर दें। हम में से काफी लोग ये करते हैं, जो चीजें जरूरत की हैं वो भी उसमें रहती हैं, बहुत अच्छी बात। जो चीजें जरूरत की नहीं है, रेयरली केस में काम आने वाली है, उनको भी वहां पे वो भर करके रख देते हैं। ऐसा करने से नुकसान फाइनेंशियली भी है, दूसरा उसकी एक्सपायरी डेट भी खत्म हो जाएगी, तो वो आपके प्रोडक्ट की सीख काम के नहीं रहेंगे, ढूंढने में भी आपको टाइम लगेगा। तो अवॉइड करिएगा ऐसी चीजों को रखने में जो फिलहाल किसी काम के नहीं होते हैं। केवल वही चीजों को सिलेक्टेड रखिए जो आपके आपके परिवार के डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर के हिसाब से यूजफुल होती हैं। ये बेसिक जानकारी से पहले एक जानकारी और आपको दे दूं, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस कंडीशन में नहीं होता कि वो अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में लोगों को बता सके। तो सबसे पहली और जरूरी चीज ये होती है कि फर्स्ट एड बॉक्स में आपको दो लिस्ट रखनी होगी। एक लिस्ट जिसमें कौन कौन सी दवाइयां रखी गई हैं, उनके एक्सपायरी डेट कब है, उसको पूरा मेंशन करना पड़ेगा, और हाँ वो किस चीज के लिए यूज होती है वो भी लिखना पड़ेगा उस लैंग्वेज में जिसको आपके घर वाले समझ सकते हैं। दूसरी कागज की पर्ची होगी जिसमें आप उस व्यक्ति के बारे में लिखेंगे जिनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जिनको कोई पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड है, यानी कि जिनको डायबिटीज, बीपी के साथ कुछ और कोमॉर्बिडिटी प्रॉब्लम होगी, उनको आप लिखेंगे उनको कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन से डॉक्टर से वो सेशन लेते हैं, क्या किसी पर्टिकुलर चीजों से, खाने पीने या दवाइयों से एलर्जी है, इनकी जानकारी आप वहां पे रखें। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि वो खुद से बता नहीं पाते हैं। ऐसे केस में उनकी कागज उनको पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, उनकी प्रॉब्लम, उनकी सॉल्यूशन, उनके पर्टिकुलर करंट ट्रीटमेंट मेथड को पूरा एक्सप्लेन करेगा। ये तो बेसिक जानकारी हो गई, ये होना ही होना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में आप किन किन चीजों को रखेंगे। ये मेरी तरफ से सजेशन है, ब्रांड पे मत जाइएगा, जो भी आपको लगता है वो ब्रांड आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज अगर आपके फर्स्ट एड बॉक्स में कोई होनी चाहिए तो वह है बैंडेज। बैंडेज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके कट वाले पार्ट को फर्दर एक्सपोजर होने से बचा के रखता है। मतलब समझे आप, अगर आपके हाथ में कोई कट लग गया है, अगर आपने बैंडेज नहीं लगाया तो कोई और चीजों से टच होगा तो वो कटा हुआ पार्ट डायरेक्टली बार बार कॉन्टेक्ट में आएगा, चाहे आपके दूसरे हाथ से, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से, किसी केमिकल से, किसी लिक्विड से, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। नमक, तेल, मिर्ची घर में अगर आप यूज करते रहते, किचन में कट गया चाकू से, तो वहां पे वो एक्सपोजर होगा जिससे जलन, चुभन और प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो बैंडेज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके प्रॉब्लम और आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के बीच में बैरियर का काम करता है। तो आप बैंडेज लगा लेते हैं तो वो जगह दूसरे चीजों के टच में डायरेक्टली नहीं आता है। हालांकि बैंडेज के दो अलग अलग टाइप है, कई से दो नहीं कई अलग टाइप है जो काम के है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो बैंडेज आता है, हैंसाप्लास्ट जो अगर आप देखते हो डिटॉल को चिपकाने वाला आता है, उसके एक टाइप है, उसके भी फर्दर दो सब टाइप आप देख सकते हैं। एक नॉर्मल जो थोड़े से कपड़े जैसा मटेरियल का होता है, दूसरा आजकल वाटरप्रूफ आ गए हैं जो आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जैसा दिखाई देता होगा। दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों का यूज एक जैसा भी नहीं है। हालांकि ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम है बट मेथडोलॉजी अलग है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं, हाउसवाइफ है सपोज, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वाटर के साथ कांटेक्ट बार बार होता है, बार बार आप कुछ कुछ ऐसे करते हो जिससे हाथ गीला हो जाता है, तो कपड़े वाले बैंडेज को अगर आप लगा लेते हो तो कपड़ा पानी को सोखेगा ही, वो पानी नीचे जाएगा, आपका हाथ गीला हो जाएगा, और जहां पे हमारा हाथ काफी देर से पानी कांटेक्ट में रहता है, आप देखोगे बैंडेज को निकालने के बाद वो जगह थोड़ा सफेद हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो पानी से थोड़ा फूल गया है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको यूज ना करें अगर आप बार बार पानी के टच में। अगर आप केवल ड्राई ऑफिस में काम करते हैं तो फिर आप कोई भी कपड़े वाला या फिर वाटरप्रूफ लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक बैंडेज को ना लगाएं, उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें, वरना इससे थोड़ा गर्म स्वेटिंग या फिर दिक्कत दूसरी हो सकती है, उसके मेडिकामेंट एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद आपको चेंज कर देते रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा बैंडेज आता है जिसको साधारण व्यक्ति में लोग जाली वाली पट्टी कहते हैं, जो कि वीडियो साधारण व्यक्तियों के लिए ही है, इसलिए टर्मिनोलॉजी भी बहुत साधारण यूज करूंगा। जाली वाली पट्टी साइज अलग अलग हो सकती है, चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, डजंट मैटर, उससे नीड के अकॉर्डिंगली। उसकी खास बात यह होती है कि वो हवाओं को आर पार जाने दे देती है, सो कभी भी कहीं कोई चोट लगती है तो उसको क्लीन करने के बाद आप कॉटन के साथ मेडिसिन लगा करके उस पट्टी को रोल लगा के आप बांध सकते हो। कोशिश करिएगा कि बहुत अधिक मात्रा में जरूरत से अधिक ना लपेटा जाए, क्योंकि इससे गर्मी बढ़ेगी और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सो इतना ही रखें जितना कॉटन में मेडिसिन आपके हॉस्पिटल पार्ट पे अटैच होकर के रह सके थोड़ी देर के लिए। अधिक से अधिक दो या तीन रोल अगर जरूरत पड़े तो आप बढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़े तो घटा भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये हमारा दूसरा बैंडेज का पार्ट हो गया। ये बहुत जरूरी चीजें हैं क्योंकि अक्सर काम आती रहती हैं। और फर्स्ट एड बॉक्स में कोई भी सामान रखने से पहले ये भी एक बार सोच लें कि आपके परिवार में कितने एज ग्रुप के लोग रहते हैं। क्या छोटे बच्चे हैं,
आप लोग हो, एडल्ट पीपल हो या फिर बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि जरूरत उनके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। बच्चे थोड़ा बहुत भागा दौड़ करते हैं तो ज्यादातर चोट लगने की संभावना रहती है, बुजुर्ग है तो उनको सर्दी खांसी जैसी प्रॉब्लम अक्सर रहती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको अपने फर्स्ट एड बॉक्स को डिजाइन करना पड़ेगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब जगह के लिए एक ही रूल हो। हाँ, मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम मेडिकामेंट एक जैसे हो सकते हैं, बट कुछ जगह आपको SOS चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे सीरियसली तो ये चीजें बहुत ही काम आने वाली हैं। अगला जो है हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में जगह होनी चाहिए वह है आपका पेन रिलीफ जेल, पेन रिलीफ ऑइंटमेंट, पेन रिलीफ ऑयल या पेन रिलीफ स्प्रे। हालांकि सारे पेन रिलीफ हैं, इनमें से कोई भी चीज जो आपको सूटेबल लगे, कंफर्टेबल लगे, वो आप रख सकते हैं। हर एक चीजों का काम पेन रिलीफ करना है, लेकिन उनके काम करने के तरीके, उनका मोड ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा अलग अलग है। अगर आप जेल प्रीफर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऑइंटमेंट या ऑयल यूज करते हैं तो आपको केवल लगा के छोड़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको उस जगह पर अच्छे से रगड़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम घर में कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जैसे टेबल को भारी को उठा करके यहां खिसका दिया, चावल की कुछ डब्बे निकाले या कोई और चीजों को यहां से वहां मूव किया, तो अचानक मोच आ जाती है, हाथ में कहीं भी मोच आ सकती है। ऐसे केस में आपको इमीडिएटली उस बाम को लगाना चाहिए जो कि आपके पेन को रिलीव करने में काफी मदद करता है, और उसके लिए आप जेल यूज कर सकते हैं। अगर जेल नहीं यूज करना चाहते हैं तो स्प्रे भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो स्प्रे करने में भी आसानी होगी, पेनिट्रेशन भी उसका आसानी होगी, उसको रब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑइंटमेंट की बजाय आप जेल या तो स्प्रे आप यूज कर सकते हो। इसके लिए मार्केट में कई सारे प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है। आयोडेक्स का स्प्रे यूज कर सकते हो, आयोडेक्स का ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो, वोलिनी का ऑइंटमेंट, वोलिनी का जेल, वोलिनी का स्प्रे, DFO का स्प्रे, ऐसे कई चीजें हैं जिनको आपको सही लगे, जिनको आप यूज करते हो, जो आपको पसंद आते हैं, वो कोई भी आप यहां पे रख सकते हो। लेकिन हमेशा किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट रेगुलर इंटरवल पे, से सपोज हफ्ते में एक दिन संडे को, महीने में एक दिन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो चेक करते रहें। जैसे एक्सपायरी होती है उसको आप रिप्लेस कर दे, और इन्वेंटरी कंट्रोल जरूर करें, डब्बा खाली होने ना दें। जैसी भी चीजें एक्सपायर्ड होती हैं या खत्म होती हैं, इमीडिएटली उससे पहले ही या उसी के तुरंत बाद रिप्लेस कर लें, रिफिल कर लें। अगला जो हमारा कंटेंट है वो है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको ये बताता रहता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं है, क्या आपको बुखार होना स्टार्ट हो गया है। आज के डेट में थर्मामीटर बहुत जरूरी चीजें हो गई हैं, और आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द घर में ये चीजें रखी गई हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी थर्मामीटर काम आएगा, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर बुखार की संभावना होती ही है, बुजुर्गों को भी ये प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद सबको ये चीज हो सकती है। कोई एज ग्रुप की स्पेसिफिकेशन नहीं है एक्सेप्ट बच्चों को, क्योंकि वो कोई भी चीजों को मुंह में जल्दी डाल देते हैं, तो उसके कारण से बुखार आ सकता है। सो थर्मामीटर के भी तीन अलग अलग टाइप होते थे, अभी तो थोड़े कम हो गए हैं। पहला आता था मरकरी यानी कि पारे वाला, जिसको आप लगा करके मीजर करना पड़ता था कि रीडिंग कितनी गई। गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है, तो धीरे धीरे मार्केट से वो हट गए हैं, तो उसको आप यूज ना करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। इसकी जगह आ गया है डिजिटल थर्मामीटर, जो कि कई अच्छी अच्छी कंपनियों के आते हैं, जिसमें से हिक्स एक अच्छी कंपनी है। उसको आपको अंदर टंग रखना होता है, थोड़ी देर वेट करना होता है, जैसे ही टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है एक बीप की आवाज आती है, और आप आसानी से देख के बता सकते हो कि टेम्परेचर कितना है। उसमें कोई हजल नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई एजम्पशन नहीं, डिजिटल है, आराम से देख सकते हो। आज की डेट में एक और थर्मोमीटर यूज किया जा रहा है, वह गन वाला, इंफ्रारेड थर्मो गन, जिसको आप फोरहेड पे, आपके हाथों पे गन फायर करके आप चेक कर सकते हो कि टेम्परेचर कितना है। आई विल रिकमेंड कि आप हाथों पे चेक करें, कई बार सर पे लगाना सेफ्टी मेजरमेंट में नहीं आता है गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। फिर भी इन दोनों में अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो डिजिटल जो आता है हिक्स का मुंह में रखने वाला, वो ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि इंफ्रारेड में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, एज पर माय पर्सनल ओपिनियन। ये चीजें आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये जरूरी रखें, क्योंकि टेम्परेचर उनका नोट करना एक इंटरवल पे बहुत जरूरी होता है। एक डॉक्टर को रिपोर्ट करनी होती कि इस दिन इतने समय में टेम्परेचर इतना था, तो उनकी ग्राफ के हिसाब से उनका एनालिसिस करके अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो थर्मामीटर एक जरूरी पार्ट हो गया। इसके बाद जो अगला है आपका वह एंटीसेप्टिक लिक्विड। एंटीसेप्टिक कहने का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगाते हैं, यानी कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर लगाओगे और उसके उस पर्टिकुलर पार्ट में से जो इन्फेक्शन हुए होंगे उनको इरिडिकेट करेंगे। सो एंटीसेप्टिक लिक्विड इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स। ये किसी भी ब्रांड का रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, मोस्ट ऑफ द केसेस डेटॉल को प्रीफर करते हैं। डेटॉल, सेवलॉन, ये चीजें आसानी से मार्केट में उग सकती हैं। बच्चे हैं घर में तो सेवलॉन प्रीफर करिए, क्योंकि वो जलता नहीं है। अगर एडल्ट है तो डेफिनेटली गो फॉर डेटॉल्स। इसको आप कहीं भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो,
अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, कट लग गए हैं तो डायल्यूट करके उनको वॉश कर लीजिए। शेविंग कतरन कट गए हैं तो वहां पर अप्लाई कर सकते हो। हाथ में चाकू से कट गया है तो डायल्यूट करके आप अप्लाई कर सकते हो, ये काफी काम का है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और चोट लग गई है, कटा नहीं है, छिल गया है, चोट लग गई है, तो डायरेक्टली उसके ऊपर बैंडेज ना अप्लाई करें। इस एंटीसेप्टिक लिक्विड को पहले अच्छे से घोल करके डायल्यूट करके साफ कर दें कॉटन से। साफ करने के बाद उस जगह को ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आप चाहें तो फर्दर बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश आउट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसका यूज कई बार अलग अलग चीजों में भी हो सकता है। छोटे बच्चों की नैपी को क्लीन करने में अगर आपके घर में कुछ मेन जो थर्मामीटर है वो काम नहीं कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो उनके कपड़ों को हमको डेफिनेटली डिटॉल से या एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास नहीं है वॉशिंग एरिया में तो इमरजेंसी में फर्स्ट एड बॉक्स से भी ले सकते हैं। तो ये एक जरूरी चीजों में से एक हो गई। एंटीसेप्टिक लिक्विड के बाद हम बात करते हैं आपका पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट। पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट बेसिकली आयोडीन का इंट्रैपमेंट है एक पॉलीमर मैट्रिक्स में, जिसको हम लोग पोविडोन बोलते हैं। हालांकि है ये आयोडीन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म, इसके लिक्विड भी आते हैं, लिक्विड आपके आयोडीन के फॉर्म में आएगा, बट लिक्विड से प्रिफरेबल है ये आपको ऑइंटमेंट के फॉर्म में। इसका यूज आप कई बार कई जगह पे कर सकते हैं। अगर आपने पोविडोन आयोडीन के ऑइंटमेंट के ऊपर लिखा देखा होगा तो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर बैक्टीरियल, फंगी एज वेल एज सम काइंड ऑफ वायरसेस, तो उनके इन्फेक्शन से भी आपको बचा सकते हैं। बट प्लीज मेक इट नोट वेरी केयरफुली, ये एक्सटर्नल यूज के लिए ही है, इंटरनली कभी इसको यूज ना करें। तो अगर चोट लगती है, घाव होता है, छिलाव होता है, तो आपने एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश आउट कर दिया, बैंडेज लगाना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ड्राई होने दीजिए। बीटाडीन जो एक मार्केट प्रोडक्ट एग्जाम्पल है, सिप्लाडीन इसका एक एग्जाम्पल है मार्केट का, उनमें से कोई सा भी ले लीजिए आप, उसको वहां पर अप्लाई कर दीजिए दिन में 2 या 3 बार डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी और कंडीशन ऑफ योर वुड, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके लिक्विड फॉर्म भी अवेलेबल है और इसके ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। So whichever is suitable for you, आप उस पर यूज कर सकते हो, लेकिन ऑइंटमेंट रखने में यूज करने में ज्यादा अच्छा होता है, स्टेनिंग की प्रॉब्लम इसमें से कम होती है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको ये रखना ही पड़ेगा। कटपट लगने तो भी ये काम आता है, छिल जाएंगे तो भी काम आ जाएगा, पस बन जाएगा तो भी ये काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो मोस्ट ऑफ द केसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छे से काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है वह आपका एब्जॉर्बेंट कॉटन, सीधा सीधा बोला जाए तो रुई। मार्केट में मेडिकल स्टोर में बहुत आसानी से मिल सकते हैं, वो प्योर होते हैं, वो स्टरलाइज होते हैं, को आपको यूज करना चाहिए। घर में मलने वाले नॉर्मल रुई जो हम लोग कई बार अक्सर यूज करते हैं नॉर्मल घर में पूजा वगैरह के लिए, बाती बनाने के लिए, उन रुई को ना ही यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि इनमें कंटामिनेशन के चांसेस काफी सारे हो सकते हैं। सो यू हैव टू परचेस अ स्पेशल कॉटन, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन सर्जिकल ग्रेड का, वो आप यूज करिएगा। इसका यूज कई बार करना होता है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसको पहले एंटीसेप्टिक लिक्विड से वॉश करोगे तो आपको कॉटन का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको बीटाडीन लगाना है तो बीटाडीन को कॉटन में थोड़ा सा टच करके लगाएं ताकि वो चिपके रहे, ये चीजें आप यूज कर सकते हो। ब्लीडिंग हो रही है तो उसको पुश करके रखने में भी काम आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड एस ओएस इस कॉटन का यूज कई बार ऑलराउंडर की तरह होता है। कॉटन छोटा सा लगता है लेकिन है बहुत यूजफुल। इसके बाद अगला आपका एक ड्रग जो ओटीसी प्रोडक्ट का एग्जांपल है वह है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल कोई भी कंपनी का आ सकता है, आप कैल्पोल ले सकते हो, आप पैरासिप ले सकते हो, आपको जो सही लगता है वो आप ले सकते हो। पैरासिटामोल एक एग्जांपल है एंटीपायरेटिक का, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो कि बुखार को कम करने का काम करता है। सो है तो ये ओटीसी प्रोडक्ट, लेकिन इसके यूज करने में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप 5 mg का पैरासिटामोल यूज कर रहे हो तो दिन में 4 टैबलेट से ज्यादा ना खाएं। मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, बच्चों का मैं नहीं कहूंगा, बच्चों का आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही रखें, उनका ड्रॉप आता है वो यूज करें। ड्रॉप के ऊपर भी वीडियोस बना है हमारे सेकंड चैनल पे, उस पर देखिएगा कितना बॉडी वेट है, कितना ml देना है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। सो पैरासिटामोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुखार में भी काम आता है और थोड़ा बहुत माइनर पेन वगैरह हो रहा होगा तो वो भी वहां पे काम आता है। तो पैरासिटामोल जरूर रखिएगा। इसके 2 वेरिएंट रख सकते हैं आप, या तो प्लेन पैरासिटामोल 500 mg का रख सकते हैं, या तो 500 के बजाय 650 का रख सकते हैं, या तो आजकल कॉम्बिनेशन में आते हैं पैरासिटामोल के साथ दूसरे जो पेन किलर होते हैं वो भी एसोसिएटेड होते हैं, या तो कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग होते हैं वो भी एसोसिएट होते हैं। तो इट्स ऑन यू, मोस्ट ऑफ द केसेस प्रीफर करिएगा पैरासिटामोल को पेन के फॉर्म में, दोनों रखा जाए 500 और 650, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ योर फीवर आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में 500 mg के 4 यानी कि 2000 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका किसी भी चीजों में, यह बिल्कुल याद रखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि क्या आगे और आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। पैरासिटामोल के बाद आपको रखना है सीजर, कैंची, छोटी सी कैंची, हालांकि कोई खास यूज नहीं लगता आपको सुनने से, लेकिन है। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि कभी भी स्ट्रिप कटिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको स्ट्रिप कटिंग करनी ही है तो उसके लिए यह देखिएगा कि स्ट्रिप में से टैबलेट को यूज कैसे करते हैं। इसके ऊपर भी हमने वीडियो डाला है सेकंड चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल में, तो उसमें मैंने बताया गया कि अगर आपके पास कोई टैबलेट या कैप्सूल की स्ट्रिप है उसके पीछे एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ लिखा रहता है, तो उसको निकालना पहले स्टार्ट ना करें, उसको सबसे लास्ट में निकालें।
ताकि आप कभी भी ये ना कंफ्यूज रहे कि एक्सपायरी डेट हुई है कि नहीं हुई। ऐसे केस में जहां पे आपने उसको लास्ट के लिए रखा हुआ है, पहले यूज करते गए हो, तो बच्चे में रिमेनिंग एम्प्टी कैप्सूल के जो शेलेक होते हैं, जो कवर होते हैं पीवीसी प्लास्टिक की, उसको आप चाहो तो सीजर से काट सकते हो। क्योंकि सीजर से काटना अच्छा यह है, क्योंकि काटते टाइम एक्यूरेसी होनी जरूरी है। अगर आपने नियर बाय टेबलेट के बगल से काट दिया तो मॉइस्चर एयर वहां से मूव कर सकता है। तो ये सीजर का काम कई चीजों में होगा। टेबलेट को कट करने में भी हो सकती है, आपके जो बैंडेज है, गॉज बैंडेज है, उसको काटने में भी यूज कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द कुछ और नीड होगा उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका है एंटी एलर्जिक लोशन और एंटी एलर्जिक ड्रग। एंटी एलर्जिक लोशन के रूप में कैलामाइन लोशन आता है, कैला ड्रिल के नाम से, वो भी काफी यूजफुल है। मच्छर मक्खी किसी छोटे मोटे कीड़े ने काट दिया, यहाँ पे एलर्जी होगी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो दिन में 3-4 बार डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। या फिर एंटी स्टमरिक ड्रग कैटेगरी जो ओटीसी प्रोडक्ट में आते हैं उनको भी आप ले सकते हो, लेकिन उनके लिए प्रिफरेबल नहीं है जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उससे नींद आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं, क्योंकि घर में इंसेक्ट वाइट ज्यादा हो सकता है। बच्चों के लिए तो दवाई यूज ना करें, कैलामाइन का लोशन आप यूज करें, उसमें एंटी स्टमरिक ड्रग भी इंक्लूड होते हैं, तो टॉपिकली इसको यूज कर सकते हो, जो कि एलर्जिक रिएक्शन से बचा कर रखेगा। कई बार ऐसे मच्छर भी घूमते रहते हैं जो काट देने से वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, कोई ऐसे इंसेक्ट आ जाते हैं जो काट देते हैं स्वेलिंग आ जाती है, तो उनके लिए भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है एस्प्रिन का टैबलेट। एस्प्रिन यू तो NSAID कैटेगरी का एग्जांपल है, हालांकि इसका यूज हम पेन किलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप एस्प्रिन यूज करते हो तो आपको दो चीजों में मदद करेगा, पेन के लिए भी मदद करेगा, प्लस अगर कभी इन केस कोई घर में ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है, तो यह ब्लड को थिन करने के लिए ब्लड थिनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। और ऐसे पेशेंट जो हार्ट से एसोसिएटेड है, हार्ट अटैक आ चुका है, उनके लिए कई बार जान बचाने का भी काम करता है। हालांकि और भी कुछ ड्रग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए इस पे अभी डाउट है। जैसे एस्प्रिन और एटोरवास्टेटिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो कि हार्ट पेशेंट के लिए काफी यूजफुल हो सकता है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। मैं कह रहा हूं केवल ओटीसी प्रोडक्ट के बारे में, आप उसको एस्प्रिन को रख सकते हो। इसको यूज कई जगह से भी करते हैं, स्टेनिंग को हटाने में भी एस्प्रिन का पाउडर का यूज कर सकते हो। अगला है हमारा एस्प्रिन के बाद है आपका एंटी बर्न क्रीम, जो कभी भी घर पे काम करते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, किचन में काम तो करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, केवल महिलाओं की नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हम काम आते में आते कभी कभी जल जाते हैं, लैब में प्रैक्टिकल करते करते जल जाते हैं, या किसी पूजा के थाली में जल जाते हैं, कहीं भी कोई भी रीजन कोई मतलब नहीं, अल्टीमेट रिजल्ट तो जलना ही हुआ ना। तो ऐसे केस में आप कई ऐसे क्रीम को यूज कर सकते हो, ऑइंटमेंट को यूज कर सकते हो, जो बर्न में आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। बहुत लोग यूज करते हैं बर्नॉल, आप बर्नॉल पे भी जा सकते हो, जबकि सिल्वर एक्स काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिल्वर एक्स आप आराम से रखिएगा, मैं तो कहूंगा जरूरी ही है आपके फर्स्ट एड बॉक्स में सिल्वर एक्स या बर्नॉल, ज्यादातर प्रीफर करिए सिल्वर एक्स को, क्योंकि जलने पर तुरंत वो इमीडिएटली काम करता है, इसका जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा है, वो फफोले फोड़ने नहीं देता, सूजन पस नहीं बनने देता, वो काफी अच्छा है, वो आप जरूर रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आपका एंटासिड। एंटासिड आर दोज ड्रग जिनका यूज हम एसिडिटी को कम करने में करते हैं, हालांकि इसकी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, बट मैं मेन कैटेगरी पे नहीं जा रहा, मैं केवल बेसिक एंटासिड के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे आपने जेलोसिल खाया होगा, इसके टेबलेट के फॉर्म में भी आते हैं, इसके सिरप के फॉर्म में भी आते हैं, तो जो आपको सही लगता है वो आप यूज कर सकते हो। सिरप थोड़ा जल्दी इफेक्ट देता है, क्योंकि उसको डिसइंटीग्रेशन डिसॉल्वशन करने में टाइम नहीं लगता, इजीली सॉल्युबिलिटी हो जाती है, लेकिन उनको फर्स्ट बॉक्स में रखना एक दिक्कत की बात है, डब्बा छोटा सा होता है, बॉटल बड़ी होती है, तो रखने में प्रॉब्लम है, तो आप टैबलेट पे जा सकते हो, टैबलेट काफी आसानी से रखे जा सकते हैं और उनको यूनिट के फॉर्म में भी लिया जा सकता है, आपके सिरप को मेजर करने में दिक्कत हो सकती है, तो जो सही लगे आपको उनमें से एक रख सकते हो। और इसके अलावा पुदीन हरा का भी आप रख सकते हैं, वो भी आपको एसिडिटी में रिलीफ प्रोवाइड करता है। पुदीन हरा का भी लिक्विड और पर्ल के फॉर्म में आते हैं, जो भी कंफर्टेबल आपके लिए रही रहे रखने में, खाने में, यूज करने में, उसके ऊपर आप जा सकते हो। अगला हमारा जो है वह आइबुप्रोफेन, हालांकि मैंने एस्पिरिन के बारे में बोल ही दिया है, आइबुप्रोफेन भी पेन किलर का काम करता है। कोई नॉर्मल पेन वगैरह हो रहा हो, किसी कारण से बॉडी एक हो रही होगी, देन यू कैन गो फॉर दैट, बट आवश्यक रूप से पेन किलर नहीं खाइएगा। पेन किलर को हमको रखना चाहिए, लेकिन यूज फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम भी कई चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये NSAID कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, डिपेंडिंग ऑन द डोजेस फॉर्म, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैटेगरी, ये COX-1 COX-2 इनहिबिटर हो सकती है, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव प्रेफरेंशियल हो सकता है। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, कहने का मतलब यह है कि NSAID की कैटेगरी के यानी कि पेन किलर जो होते हैं ज्यादातर यूज नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे अल्सर होने के चांसेस होते हैं, बट कभी कभार ओकेशनली दर्द हो रहा है तो यू कैन गो फॉर दैट, जो कि ओटीसी प्रोडक्ट होगा। इसके बाद हमारा अगला है ORS, सबसे जरूरी चीजों में है वह है ORS। ORS का डिब्बा ही रख लीजिए, आप शैशे रखें, शैशे के डिब्बे, मतलब डिब्बा मतलब बड़ा कार्टून का पैक नहीं कह रहा मैं, जो शैशे आते हैं 3-4 रुपए के, उनके 5-6 शैशे रख लीजिएगा। ORS मींस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जो कि बहुत जरूरी है और ये सभी के लिए काम आता है। छोटे बच्चों को दस्त की प्रॉब्लम होगी, घोल के पिला दीजिए, बड़ों को आपको
मुझे किसी को भी एज ग्रुप को भी घोल के पिला दीजिए, बुजुर्गों को है घोल के पिला दीजिए, अगर वीकनेस लग रही है तो भी घोल के पिला दीजिए। ओआरएस एक बहुत ही अच्छा लाइफ सेविंग है, खास करके गर्मी के महीने में काफी ज्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट में से एक है, जो कि आपके घर में होनी ही चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इसको यूज करता है कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। ये केवल सॉल्ट है जो कि आपकी बॉडी में वापस से जाकर के रिस्टोर करने का काम करते हैं। फ्लेवर कई सारे आते हैं, बच्चे हैं अगर तो ऑरेंज फ्लेवर ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि रेगुलर फ्लेवर, चौड़ा हम सबको पसंद आता है, बट बच्चों को वो रेगुलर फ्लेवर पसंद नहीं आता, देन यू कैन गो फॉर एनी ऑप्शंस, ऑरेंज फ्लेवर या कुछ और फ्लेवर पर जा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन वो भी आपके इसी पेन किलर की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन डिस्प्रिन थोड़ा सा फास्ट रिलीव करेगा आपके हेडेक के लिए, ज्यादातर इजीली अवेलेबल होता है, उसको डिप करना है, एवरवेसन निकलने देना है, पानी को पी जाना है। ये बहुत ही कॉमनली हर सर को सरदर्द कर सकता है, स्ट्रेस की वजह से कर सकता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, तो डिस्प्रिन भी आपको रखना चाहिए। इसके बाद जो अगला है वह आपका ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज पाउडर तो बहुत जरूरी है, ये किसी को भी कभी भी दिया जा सकता है, लगा थोड़ा वीकनेस लग रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहा है, कुछ और हो रहा है, थक गया हूं, तो आप ग्लूकोज यूज कर सकते हो। यहां भी आपके पास बहुत सारे फ्लेवर हैं, लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, नॉर्मल फ्लेवर है, जो भी डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट आप उसको यूज कर सकते हो। टेस्ट से मतलब नहीं है, ग्लूकोज से मतलब है। इसके बाद आपका अगला है वह बहुत जरूरी चीजों में तो नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी न कभी काम करने में मदद कर सकती है, वो है फिटकरी। फिटकरी क्या है आप जानते होंगे, फिटकरी इसको हम लोग पोटासियम बोलते हैं। पोटासियम का काम कई चीजों में यूज होता है, बट अभी मैं आपके फर्स्ट बॉक्स में जो रखने के लिए बोल रहा हूं उसका काम है, अगर छोटा मोटा कट लग गया, उसकी एक टुकड़ी आती है केक जैसा टिकिया आता है साबुन के जैसा, वो लीजिएगा, थोड़ा टुकड़ा पाउडर नहीं लेंगे, तो कभी छोटा मोटा चोट लगती है, छोटे चोट पे तो ब्लीडिंग होने लगती है, शेविंग करते हो ब्लीडिंग होने लगती है, कई बार हाथ में कई बार चाकू लग जाता है ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप उसको या तो दबा के रखो तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, या तो उस जो पोटासियम की बात कर रहा हूं फिटकरी की बात कर रहा हूं उसको वहां पे रखे रहो, तो वो एज ए एस्ट्रिंजेंट काम करता है, और उसके कारण से जो प्रोटीन है ब्लड का वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और वहां पे क्लोटिंग होगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेकिन ये केवल माइनर कट के लिए ही एप्लीकेबल है, कोई मेजर कट लगता है ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो आज की वीडियो में हमने बहुत तेजी से बताया ताकि चीजों को हम आराम से कवर कर सकें, चाहे तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन ये चीजें मस्ट है कि आपके बॉक्स में फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीजें होंगी, और जैसा मैंने कहा डिपेंडिंग ऑन द नीड उम्र के हिसाब से जो आपके घर में है एक आध दो चीजें और ऐड की जा सकती हैं, और आपके विवेक पे वो डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी वीडियो लेकिन नॉलेजेबल वीडियो आपके किसी न किसी काम आई होगी, आपके काम आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी और को सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी काफी अच्छी बात होगी। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि आज से आप फर्स्ट एड बॉक्स को अपडेट करेंगे, रेगुलर चेक करेंगे, एक्सपायरी स्पॉयलर्स सबको चेक करते रहेंगे, और जरूरत पड़े तो यूज करेंगे, वैसे दुआ करूंगा कभी जरूरत ना पड़े। थैंक यू, टेक केयर।